नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एम ढिलो चैनल में। दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है भाइयों। खास क्यों होने वाली, मुझे मेले में भाई साहब से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई साहब कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मोनी ढिल्लो नाम है मेरा, वैसे अपने चैनल का नाम है जी एम ढिल्लो व्लॉग्स। अच्छा। तो आज हमें पाल भाई मिले हैं जी, आज हमने सोचा कि चलो इतने टाइम बाद मिले हैं पहली बार, तो एक वीडियो मिलके बनाएंगे आज, इसीलिए हमने सोचा कि एक वीडियो मिलके बनाएंगे। तो आज आपको ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे जी। हमारे पास कम से कम भी 3-4 ट्रैक्टर हैं, सारे ब्रांड जो हैं जॉन डियर के ही हैं। अच्छा, पाल भाई आप बताओ कुछ। पहले मुझे बताओ अभी हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं, कहाँ पे हम इस टाइम जो खड़े हैं जी? पंतनगर यूनिवर्सिटी। अच्छा। वहाँ पर साल में 2 बार मेला लगता है जी। अच्छा। किसानों के लिए मेला लगता है 2 बार, जहाँ पर इम्प्लीमेंट ट्रैक्टर और बीज हो गए, कई तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर आती हैं। अच्छा। तो आज फिर एक बार 13 तारीख से लेकर जो है वो 15 तारीख तक, 3 दिन का यहाँ पर मेला जो है वो लगा हुआ है। अच्छा। हाँ। तो हमारे किसान भाइयों को CRDA ट्रैक्टर के बारे में बताएं, यहाँ पर कितने मॉडल्स में खड़े हुए हैं भैया? CRDA ट्रैक्टर अपने यहाँ अभी 3 जो खड़े हुए हैं। अच्छा। 50-75 है, ये 75 HP का है। अच्छा जी। 54-05 है, ये 63 HP का है। अच्छा जी। और उसके बाद एक ट्रैक्टर आगे खड़ा हुआ 53-10 है। ये जॉन डियर का बहुत ही ज्यादा फेमस मॉडल होने वाला है। हाँ, ये 53-10 है, ये CRDA में अब आने लग गया जी। ये आता है, ये लगभग भी मेरे ख्याल से 57 HP में अब आता है, पहले ये 55 में आया करता था। अच्छा। अब बात ऐसी है जी, जब से ये जॉन डियर का जो 53-10 मॉडल है, ये जब से CRDA में आया ना, अब थोड़ी सी सेल इसकी कम है। सेल कुछ इसलिए कम भी है इसकी क्योंकि 2 लाख रुपए इसका रेट भी बढ़ गया है। 2 लाख रुपए महंगा हो गया, ये चीज़ है जी। अब एक मॉडल हमारे पास और है, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, वो पीछे खड़ा हुआ जी 52-10। अच्छा, इसकी अब हाँ अब लोग इसको ना थोड़ा सा 53-10 की जगह पर देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, 55 HP कैटेगरी का है, लेकिन थोड़ा सा पावर इसकी कम है उससे। अच्छा। लेकिन अब थोड़ा इसको 53-10 की जगह पर लोग जो है उसको देखना चाह रहे हैं, कि देख ही रहे हैं, मतलब उसकी जगह पर इसको ले रहे हैं, क्योंकि साइज वगैरह टायरों का सेम वही है। बिल्कुल। हाँ, कुछ आप बताओ। है टर्बो भी है? टर्बो भी है, EGR वाला है, मेरे ख्याल सब कुछ ही है इसमें। अच्छी चीज़ नहीं है। ट्रैक्टर की वारंटी वगैरह कितनी मिलती है? वारंटी इसमें मेरे ख्याल से वही 5 साल की है। 5 साल की वारंटी? 5 साल की वारंटी है। अच्छा जी। बाकी ये जो ट्रैक्टर है किसान भाई ने बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। काफी लोग ये बोलते हैं ये जो ट्रैक्टर है जॉन डियर, हाँ जी हाँ जी, किसानों के हित का ट्रैक्टर, क्या ये बात सही होने वाली है? यार बिल्कुल सही बात है जी, ये जॉन डियर ट्रैक्टर तो भाई नाम से ही चलता है, क्यों जी, सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद ही देख लो, अभी जितनी भी वीडियो है सबसे ज्यादा व्यू उसी पे आते होंगे लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं मुझे एक बात बताओ। हाँ जी हाँ जी। CRDA ट्रैक्टर है, हाँ, तो किसान भाई को ट्रैक्टर लेना चाहिए नहीं चाहिए? वैसे भी लेना चाहिए जरूरत के हिसाब से। बात ऐसी है जी, मेरे सामने अभी कल ही एक बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि भी हमने नदी में ले चलाने के लिए लेना है। हाँ जी। तो वो किसी ने उसको कानून से कह दिया कि नहीं अभी आप CRDA मतलब जी इसमें सेंसर वगैरह ज़्यादा हैं। अच्छा। और नदी में ये भीग के खराब हो जाते हैं। हाँ, यार कंपनियाँ इतनी बेवकूफ़ थोड़ी हैं जी, उसको भीगने के लिए बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? ट्रैक्टर चलो मैं मानता हूँ भी नदी में एक बार को हम नहीं भी चलाते। हाँ, यार धोना और कई काम का धैर्य वगैरह के पडलिंग का काम वो भी तो करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। पानी में तो जाने का काम है ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें वो भीगने वाला जो है वो गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी तैयारी के साथ ट्रैक्टर जो बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आने वाला फ्यूचर इसी ट्रैक्टर का होने वाला है। मैंने तो भाई साहब यहाँ तक सुना है कि आने वाले समय में 40 HP तक के ट्रैक्टर जो हैं वो CRDA में आएंगे। 40 HP तक के आएंगे? हाँ, वो सुना है, वो आए भी हैं उसमें। महिंद्रा में ऊर्जा सीरीज जो है, जिसका थोड़ा सा फुल फॉर्म अगर बात करें तो ऊर्जा करके कह देते हैं उसको। अच्छा। तो उसमें 40 HP से शुरू हो चुके हैं CRDA में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो किसान भाइयों आप देख पा रहे हैं जॉन डियर 53-10 है, 57 HP बताया था भाई साहब ने, ये 63 HP का ट्रैक्टर है। हाँ जी। और ये 75 HP का है। बिल्कुल। तीनों ट्रैक्टर बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। हाँ। और ये जो ट्रैक्टर मार्केट में इसमें बहुत जबरदस्त बिक रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये मीडियम साइज का ये हिसाब से मानो आज के समय में। अच्छा। हाँ, आज का जो टाइम है ना, डीजल महंगा है। अच्छा जी। उस वजह से अगर हम बात करें तो इसको एक 60-62 HP को एक मध्यम मानते हैं इस समय। अच्छा। हाँ, बाकी ये गियर प्रो सीरीज है। हाँ, तो थोड़ा गियर प्रो के बारे में बताएंगे जरा। गियर प्रो का मतलब ये है जी, पहले ABC आते थे। अच्छा। अब ABCD में आ रहे हैं, तो D का मतलब प्रो हो गया जी, एक बढ़ गया। अच्छा जी। हाँ, ये है। बाकी जो CRDA ट्रैक्टर है, हाँ जी, तो इसका फायदा क्या होने वाला है? वैसे फायदा यही है जी, इसका पहले से जो फ्यूल कंजप्शन है वो कम हो गया। अच्छा। क्योंकि ये पहले क्या रहता था जी, वो जो डीजल खर्च ज़्यादा था, अब उसकी जो टेक्नोलॉजी इस तरह से बना दी गई है जी, उसकी 25-30% का जो फुहारा है वो ज़्यादा गिरेगा, जब जितना बारीक कण हो जाएंगे डीजल के वो जल्दी जलेगा। अच्छा। ट्रैक्टर का कच्चा धुआं, जो काला धुआं ट्रैक्टर फेंकता था, वो नहीं फेंकेगा, मतलब कि जो जलेगा सारा काम में आएगा। अच्छा। बाहर नहीं फेंकेगा वो फर्क। वो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे CRDA में है जी, तो इनकी इंजन की लाइफ कैसे होने वाली है? इंजन की लाइफ जी अभी स्टार्टिंग है, लेकिन अच्छा ही है, जितना बिके हैं चल रहे हैं बढ़िया। अच्छा। हाँ, अभी लेकिन CRDA टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रैक्टर में नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी वैसे नहीं है। अच्छा। कारों में तो शुरू से आ ही रही है CRDA आ रही है, उसमें कारों में भी है, स्कॉर्पियो में आ रही है। बिल्कुल। हाँ। हमारे जो किसान भाई है वो उसके बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा डरते हैं,
सोचते हैं कि सीआईडी सेक्टर है, हाँ हाँ, तो साइज में मेंटेनेंस ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ऐसा तो इसमें नहीं है ना? नहीं नहीं डरने वाली कोई बात ही नहीं है, पूरी तैयारी के साथ ट्रैक्टर बनाए गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, बाकी किसान भाई डीलरशिप कहाँ पे है वैसे? डीलरशिप अपनी ये गदरपुर में है, लेकिन जो मेन डीलर इनकी है वो गदरपुर में है, लेकिन कई जगह पर है इनकी। अच्छा, हाँ, लालपुर में भी है। अच्छा, और यूपी में सवार होगी, बिलासपुर हो गई, बिल्कुल, बिल्कुल। और काशीपुर के पास अपना एक सुल्तानपुर पट्टी पड़ता, वहाँ भी है। अच्छा, कई जगह पर ट्रैक्टर ये मिल जाते हैं, इनका नंबर वगैरह दे देंगे। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो किसान भाई जो आस पास से देख रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, तो डीलरशिप पे आ सकते हैं। बाकी ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? पिछला हिस्सा आपको दिखाते हैं, पीछे से दिखा दो। इनके जो डॉन्डे के सभी मॉडल हैं, 30 HP से लेके जितने भी ट्रैक्टर, हाँ, मतलब सभी प्लेनेटरी ड्राइव में, हाँ, आते, हाँ, ईपीए रिडक्शन प्लेनेटरी गियर में आते हैं, लगभग सारे आते हैं ऐसे। अच्छा, हाँ, एक बात और बताओ, जॉन्डी ट्रैक्टर जितने भी होते, सभी का जो फ्यूल टैंक होता है पीछे की साइड में जो होता है, ये पीछे की साइड में, इनका कहने का मतलब ये है कि जी ये जो टैंक होता है, जो इंजन के ऊपर होता है, उसमें डीजल गर्म हो जाता है। अच्छा, गर्म डीजल जो है वो बर्न होने में, जलने में थोड़ी दिक्कत करता है जी, थोड़ा एक टेम्परेचर तक ठंडा रहना चाहिए। अच्छा जी। जिसके लिए इसका एक हल और निकाला जी, पीछे तो करा ही करा, इसमें एक डीजल कूलर भी लगाया गया है। अच्छा जी। हाँ, आगे है, तो जिससे क्या रहता है, डीजल ठंडा भी होता है। अच्छा, इवन यहाँ तक कि इसका जो पिछले गियर बॉक्स का ऑयल है वो भी ठंडा होता है, इसका भी कूलर लगा हुआ आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तकनीकी मामले में इससे कोई कंपनी नहीं है? नहीं नहीं, अमेरिका की ये ब्रांड है जी, सबसे पहले जो अगर कोई नई चीज आती है इसी में आती है। अच्छा, हाँ। बाकी लिफ्ट वगैरह कैसे काम करती है? लिफ्ट बहुत बढ़िया जी, पहले से इंक्रीज कर दी गई है, 25 क्विंटल में है इसकी। अच्छा, 705 में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बाकी जो टायर है आपको 16-30 के मिल जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। और ये जो ट्रैक्टर है जी जी, ठीक है, अपने किसान भाई से बहुत पसंद कर रहे हैं, सिंको शटल इसमें टेक्नोलॉजी यूज, हाँ, की गई है। इसमें एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि सिंको शटल और शटल शिफ्ट गियर जो होते हैं वो दो चीज अलग होती हैं। अच्छा, एक ऊपर गियर लगा होता है जी, वो उसको शटल गियर कह देते हैं। अच्छा, मतलब जिसमें आगे, उसमें आगे उसी से पीछे करते पीछे हो जाता, वो अलग चीज होती है। लेकिन सिंको शटल एक टेक्नोलॉजी, ये अलग चीज़ है। इसमें क्या फायदा है जी, आप छोटे से बड़ा गियर, बड़े से छोटा जो मर्जी कर लो, ट्रैक्टर की आवाज नहीं आती। अच्छा जी। वो कर कर की आवाज जो बिल्कुल इसमें नहीं आती है, ये चीज है। बिल्कुल, ये है जी सिस्टम, डबल जैक आया था, फाइबर की हुड है, गलने का सिस्टम कोई नहीं है, सिंगल है। हाँ, सिंगल हुड है पूरा। और इसमें जो मैं आपको बता रहा था ना, ये जो कूलर है, ये है डीजल कूलर, ये आगे वाला। तो इससे क्या रहता है, डीजल एक टेम्परेचर तक नॉर्मल रहे तो उसको भी सही है। अच्छा, और उसके बाद जो ये पाइप हैं, ये जो पीछे वाले अल्मोनियम के हैं ना, ये वाले, ये भी कूलर का काम ही करते हैं जी। इसमें जो पिछले हिस्से का ऑयल है ना, वो घूमता है इसमें। अच्छा, हाँ, इसमें, और इसको, हाँ, इसको इंटर, इसमें, और ये है इंटरकूलर। अच्छा, ये इंटरकूलर है, कई भाई इसको भी कह देते हैं कि भाई ये रेडिएटर जैसे, लेकिन वो नहीं है, इंटरकूलर है, ये गैस ठंडी करता है। अच्छा, टर्बो वाली गैस जो है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको ठंडी करके फिर उसको एयर क्लीनर से अंदर इंजन में जाती है। ये क्या चीज होने वाला भैया? ये EGR वाल है। अच्छा जी। हाँ, भैया मुझे एक बात बताएंगे? हाँ जी, जितने भी CID ट्रैक्टर सभी की PTO पावर क्यों इंक्रीज करी कंपनी ने? PTO पावर ऐसा है ना जी, इंजन इंक्रीज हो गया ना CRDI होने की वजह से। अच्छा। CRDI का मतलब ये हो गया जी, उसका जो इंजन की जो पावर है वो बढ़ गई है। अच्छा। क्योंकि उसकी जो फ्यूल कंजप्शन का सिस्टम जब चेंज हो गया, यहाँ पर एक पंप हुआ करता था, इनलाइन पंप। अच्छा। वो बहुत एक सिंपल सिस्टम होता था, गरारी चलती थी, गरारी से वो डीजल फेंक देता था, काम खत्म हो जाता था। इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ से ये घूमता जरूर है, लेकिन ये अपनी मर्जी से डीजल उसमें नोजल में फेंक नहीं सकता है, जब तक इसको कमांड ऊपर से उसमें ECU से नहीं मिलेगी। ECU मतलब एक तरह का ट्रैक्टर का दिमाग मान सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है वो इसका दिमाग ही मान लो, जैसे आदमी का दिमाग होता है ना, उसी तरह मान लो आप। ये भाई मेरा भी एक चैनल है, पाल ट्रैक्टर नाम से अपना चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आपको हमारी वीडियो फेसबुक इंस्टाग्राम तीनों जगह मिल जाएगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, कैसा जाओगे आप? बस यही कहता हूँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जी, मिलते हैं किसी नई वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।